डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टाइम आपको मिल गया है, इसमें यह कीजिए कि हमारा ये जो 20 टॉपिक्स आ रहा है, निसंदेह हम बाद में रिव्यू भी करेंगे, आपको स्वयं पता चलेगा कि इससे किस तरह के प्रश्न आए, तो इसे अच्छे से पढ़िए और अलग से कोई दूसरा बुक नहीं पढ़ना है। जो भी आपके पास है, और इसीलिए हम पेज नंबर नहीं दे रहे हैं, जो भी आपके पास बुक है जीके की, सामान्य ज्ञान की, वो पढ़ लीजिए, बिहार स्पेशल एक ले लीजिए, और करंट अफेयर्स में बिहार का करंट अफेयर्स होना चाहिए, है ना, चाहे स्पर्धा हो, एसपीडी हो या कोई और, जो भी आपको मिल जाए मार्केट में, एक बिहार करंट का मैगजीन रखिए, क्योंकि अभी हम लोग बजट करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे करेंगे और भी कई सारा टॉपिक चलेगा, तो ये सारे के लिए आपके पास मैगजीन बुक होना चाहिए। बाद में हम रिव्यू करेंगे हर एपिसोड का, आप स्वयं देखेंगे, हमने स्वयं कहा है कि 30+ क्वेश्चन, होपफुली मेरी आशा है चुका ऐसा होता रहा है, आप स्वयं देखेंगे 30+ क्वेश्चन आपका इस सेगमेंट से दिखाई देगा एग्जामिनेशन में, बहुत बड़ा चंक है, तो इसे आपको सही सही केवल पढ़ कर करके और वहां पर टिक करना है, तो बी रेडी। अच्छा, बहुत सारे लोग एपिसोड आने के बाद भी कहते रहते हैं कि सर एपिसोड नहीं आया, उसका एक बड़ा कारण यह है कि वे सब्सक्राइब नहीं किए हुए रहते, सब्सक्राइब में पैसा नहीं लगता। देखिए, सब्सक्राइब ये जो लिखा हुआ है चैनल पर, उसको आप टच कर देंगे तो आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, और बगल में एक घंटी होता है जिसे बेल आइकन कहते हैं, उसे टच कर देंगे तो जैसे ही एपिसोड अपलोड होगा आप तक पहुंच जाएगी सूचना, आपको पता चल जाएगा कि एपिसोड आ गया। तो कई बार स्टूडेंट्स आ जाता है एपिसोड, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है, कारण ये कि वो सब्सक्राइब किए हुए नहीं रहते हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक्स आया है, 20 टॉपिक्स है, ये बहुत टफ है, बहुत टफ है, लेकिन टफ है तभी ये रिजल्ट आपको दिला सकता है। वैसे भी छात्र छात्रा जो अभी कमजोर हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, लास्ट मोमेंट में कुछ करना चाहते हैं, अपना बेस्ट देना चाहते हैं, 12 घंटे, 10 घंटे, 14 भी घंटे, तो उनका डेफिनेटली स्कोर जंप करेगा यहां पर अगर आप 20 पॉइंट्स कर लेते हैं। चलिए, आज दो नंबर टॉपिक्स आ गया है, जिसमें हम पहले ही इसलिए दिखा देते हैं, बहुत सारे लोग वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, तो सीधे टॉपिक्स लें, जाके पढ़ाई करें। अगर समझना है कि ये टॉपिक्स कहां मिलेगा, कैसे पढ़ना है, तभी हमारा ये वीडियो आगे भी देखिए। आज जो 20 टॉपिक्स है, उसमें 6 टॉपिक्स करंट अफेयर्स का है और 14 टॉपिक्स जीके जीएस का है, जिसमें बिहार भी है, साइंस भी है और दूसरे भी जीके जीएस के टॉपिक्स है। पहला टॉपिक हिस्ट्री का हम सदैव लेते हैं, एंशिएंट का। एंशिएंट में आज भी अगेन देखिए शानदार टॉपिक है, और ये टॉपिक है, एक क्वेश्चन बहुत बहुत संभावना है, बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों पढ़ लीजिए। अब इसमें पूरा सेगमेंट महात्मा बुद्ध के जन्म या महावीर के जन्म से लेकर उनका पूरा घटनाक्रम, ज्ञान मिलने और कहां वे गए, प्रथम उपदेश दिया, ये सारा डिटेल्स आप करेंगे बौद्ध धर्म जैन धर्म का। उसके बाद दूसरा एक मॉडर्न इंडिया का हम लेते हैं। मॉडर्न इंडिया में सुपर टॉपिक 19वीं शताब्दी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसे पुनर्जागरण या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं, या इंग्लिश में रेनेसा कहते हैं, रेनाइसेंस, पुनर्जागरण। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, ये जो संस्थाएं हैं, किन लोगों ने कहां स्थापित की, किस वर्ष स्थापित किया, क्या ये कह रहे थे, कौन सा बुक या कौन सी मैगजीन, कौन सा समाचार पत्र इन लोगों ने जारी किया, तो ये आप कर लेंगे, 19वीं शताब्दी का सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। उसके बाद ज्योग्राफी हम लोग करते हैं, दो टॉपिक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, और ये है रेगिस्तान और नदियां विश्व के संदर्भ में। रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान तो हर कोई जानता है, अब बताइए बाब अल मंदेब बीपीएससी में आ चुका है, आपके बुक में भी है, बाब अल मंदेब रेगिस्तान डेजर्ट कहां है, है ना। इसी तरह से विश्व की नदियां, सबसे बड़ी पीली नदी किसे कहते हैं, सबसे छोटी नदी, सबसे अधिक जल बहाव लेकर जाने वाली नदी, ये किन किन देशों में स्थित है, तो ये सब आप करेंगे, नदियां और रेगिस्तान यानी डेजर्ट करेंगे विश्व का। उसके बाद इंडिया के संदर्भ में करना है एक टॉपिक, जिसमें आज हमने रखा है बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये भी अच्छा टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको स्वयं लगता होगा कि अगर आप करते हैं, पॉसिबिलिटी है कि हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन बनता है, बट सबसे तो हो सकता नहीं आए, लेकिन हमें फिर भी कहते हैं कि हम 30+ का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये टॉपिक्स आपको मन लाकर करना है, और ये क्या है, 1.5 से 2 पेजेस, किसी में हार्डली 3 पेजेस, यानी 15 मिनट से लेकर 1 घंटा अलग अलग टॉपिक से आपको लग सकता है, तो होपफुली 8 से 10 घंटे नीडेड होगा, है ना, ये आप कर लेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, अब आइए एक टॉपिक करते हैं पॉलिटी से, एक बड़ा टॉपिक हो जाता है। अच्छा, ये सारे टॉपिक्स हम पेज नंबर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये सब बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इंडेक्स में आपको मिल जाएगा डिटेल, सीधे इंडेक्स में देख लीजिए कहां पर है पेज नंबर, जो पहला पेज जो होता है जिसमें सारे विषयों की सूची होती है, उसे इंडेक्स कहते हैं, वहां पर आप जाएंगे और जाकर के हेडिंग देखिए और पेज नंबर पे जाइए। हाँ, ये टॉपिक जैसे पंचायती राज है, जिसमें स्थानीय सरकारों को आप पढ़ेंगे, लोकल गवर्नमेंट को, ये कहां मिलेगा, हो सकता है आपको इंडेक्स में ना दिखे, तो ये कहां मिलेगा, ये निर्वाचन है, राजभाषा है, केंद्र राज संबंध है, ये सारे जो विषय हैं उसके आसपास आगे पीछे मिल जाएगा, कौन, पंचायती राज।
अब पंचायती राज की संकल्पना सबसे पहले कब आई, पंचायती राज किस अनुच्छेद का विषय है, इसमें टोटल कितने विषय हैं, इसमें टैक्स संग्रहण कैसे होता है, पंचायती राज क्या है, कौन कौन सी कमिटी बनी, है ना। तो ये सब आप करेंगे लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज में। उसके बाद एक टॉपिक इकोनॉमी से, जिसमें हमने बहुत अच्छा टॉपिक कर लिया था पहले टॉपिक में, योजना यानी प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना 1 से 6 हम लोगों ने किया था, टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। सबसे पहला कब आया था, 51 से 56, 51 to 56, लास्ट कब आया, 2012 से 17, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, हालांकि उससे पहले नीति आयोग आ गया। तो 12 पंचवर्षीय योजना आ चुकी है, 7 से 12 आपको करना है। करना क्या है, होना ये चाहिए कि इसमें क्या लक्ष्य था, गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया गया, किसमें समावेशी विकास की बात की गई, कौन सा था जिसमें योजना बना ही नहीं, कौन सा वर्ष था, बीच में 3 बार ऐसा हुआ जब योजना बना ही नहीं, जो 76 से 69, 66 to 69 जिसे प्लान हॉलीडे कहते हैं, योजना अवकाश, उसका 78 to 80 इसमें भी नहीं बना, जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, तब क्या हुआ, रोलिंग प्लान कहते हैं, वार्षिक योजना है। 90 से 92 में भी नहीं बना, 92 में आया था योजना पंचवर्षीय, 90 से 92 में नहीं बना, चुके देश में अस्थिरता थी, तो देश में जब अस्थिरता होती है तब पंचवर्षीय योजना नहीं आती है, 3 बार ऐसा हुआ, और पंचवर्षीय योजना ऐसी कुल 12 आई, यही आपको पढ़ना है। उसके बाद आज फिजिक्स का टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए हमने एक ही टॉपिक लिया, और यह है लाइट, प्रकाश। इसमें क्या क्या करना है, इसमें आपको लेंस और दर्पण को समझना है, और साथ ही प्रकाश के मार्ग में अगर बाधाएं आ जाए, या प्रकाश का मार्ग, प्रकाश की गति, प्रकाश की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ये सब आपको समझना है। जैसे प्रकाश का अपवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब क्या है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की गति कैसी होती है, प्रकाश का चरित्र क्या है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या मैकेनिकल वेव है, कैसा वेव है, तो ये सब आपको प्रकाश में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर दृष्टि दोष आपको आएगा, दृष्टि दोष पढ़ लीजिएगा, ये कौन कौन सा लेंस लगाते हैं 4 दृष्टि दोष में, प्रिज्म, प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणें गुजरती हैं 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, तो उनका तरंग दैर्ध्य ऊपर से नीचे, ये सब कर लीजिएगा। तो बहुत अच्छा, यहाँ पर भी छोटा सा लेकिन थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक है, हमने एक ही दिया है, उसके केमिस्ट्री का 2 टॉपिक हमने लिया है, अम्ल भस्म क्षार एसिड बेस और सॉल्ट करना है, पीएच वैल्यू भी कर लीजिए। उसके बाद केमिस्ट्री का एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रासायनिक सूत्र कहां मिलेगा, लास्ट में मिलेगा, केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र लास्ट में मिलेगा, रासायनिक सूत्र का बॉक्स बनाकर दिया हुआ है। जैसे अगर हम बोले सिंदूर का, सिंदूर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये आपको बताना चाहिए, जिप्सम है, इप्सम है, तो ये सब आपको केमिकल फॉर्मूला समझना है, लास्ट में दिया हुआ है। उसको बायोलॉजी का 2 टॉपिक्स है, चूंकि 2 छोटे 4 टॉपिक्स है, हमने कहा था कि मॉर्फोलॉजी आकार की, यानी जो पेड़ पौधे हैं उनका जड़, तना और पत्ती, ये हमने छोड़ दिया था, फूल और फल हम लोगों ने कल किया था, तो आज ये 3 कर लीजिए, जड़ कर लीजिए, जड़ों का विकास कहां से होता है, तना का विकास कहां से होता है, पत्तियां क्या कार्य करती है, है ना, तो इनका विकास, इनका कार्य, इनके विभिन्न प्रयोग, तो ये आप कर लेंगे, जड़, तना और पत्तियां, इनका विकास कहां से होता है, इनके कार्य क्या है, बस इतना ही समझना है। जाइलम फ्लोएम क्या है, इनका क्या कार्य है, कहां से ये गुजरती है, है ना, ये सब आप कर लेंगे। उसके बाद हमने एक और टॉपिक बायोलॉजी में लिया है, विटामिन और रोग, किस विटामिन की कमी से कौन सा डेफिशिएंट डिजीज होता है, जैसे अगर बोले बेरी बेरी या स्कर्वी, यहीं पर कंफ्यूजन हो जाए, बेरी बेरी और स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, विटामिन डी की कमी से या रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग किसकी कमी से नहीं होता है, तो ये सब आप करेंगे, विटामिन और संबंधित रोग, ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो गया। उसके बाद बिहार का 2 टॉपिक्स, एक टॉपिक हम सदैव हिस्ट्री से ले रहे हैं, जिसमें 1857 का महासंग्राम कर लीजिए, कहां स्टार्ट हुआ था, रोहिणी से हुआ था, रोहिणी कहां है, रेजिमेंट कौन सा था, उसका पटना है, उसका आरा है, उसका भोजपुर है, ये सब आप करेंगे, 1857 का विद्रोह। और एक और भूगोल का, बिहार के भूगोल से भी हम टॉपिक्स ले रहे हैं, जिसमें खनिज मिनरल्स करना है, अब बताइए पायराइट्स बिहार में कहां कहां मिलता है, या चूना पत्थर कहां मिलता है, या सोना कहां मिल रहा है, तो ये सब आप करेंगे खनिज, बिहार के खनिज में, सब टॉपिक दिया हुआ, लिस्ट दिया हुआ, सीधे लिस्ट में जाइए, पेज संख्या देखिए और सीधे जाकर पेज पर पढ़िए, समय निकालिए, टाइम ये काफी मांगेगा, चूंकि आप पूरा टाइम स्टडी पे लगाना है। एक लास्ट में 14वां टॉपिक होता है जनगणना, हम लेकर चल रहे हैं सेंसस, 2011 की जनगणना, पिछले दिनों 2022 लिखा गया था, है ना, 2011 का जनगणना तो 2011 का ही हुआ है। आज लिंगानुपात कर रहे हैं, यानी सेक्स रेशियो, लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, है ना, तो यही करना है पूरे देश में, और फिर बिहार में भी करना है। अब बिहार है, बिहार वाले बुक में मिलेगा बिहार का लिंगानुपात, है ना, 2011 की जनगणना। ये तो हो गया 14 टॉपिक्स। उसके बाद जो करंट अफेयर्स का 6 टॉपिक्स हम ले रहे हैं, इसमें करंट अफेयर्स का आपके पास कोई भी मैगजीन है, पॉपुलर मैगजीन, उसमें ये सारे टॉपिक्स है, है ना। जैसे आज हमने पहला टॉपिक उठाया है नवगठित जांच समितियां, अब बताइए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक से संबंधित जो पंजाब में हुआ था कौन सी कमेटी, पेगासस पर कौन सी कमेटी बैठी, लखीमपुर खीरी पर कौन सी कमेटी थी,
यहाँ पर जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई कौन सी कमेटी थी, तो ये सब नई नई नवगठित कमेटियां हैं, ये आपको करना चाहिए। और यहीं पर हमने अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं, जैसे G20 का ये सब हुआ या अभी हाल ही में हुआ ग्लासगो में, तो ये सब आपको अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करना है। उसके बाद 2021-22 का विभिन्न ऑपरेशन या अभियान, ये कहां मिलेगा? अगर आपको मैगजीन में इनकेस नहीं मिलता है, आप अपने मोबाइल पर टाइप कीजिए 2021 के विभिन्न ऑपरेशन या अभियान, आ जाएगा पूरा लिस्ट आ जाएगा। मैगजीन में भी आपको बिल्कुल दिया हुआ है, अगर SPD की बात करें या स्पर्धा की बात करें या दूसरे भी मैगजीन से, सब में ये सब दिया हुआ है 2021 के बहुत सारे अभियान। जैसे अभी जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, तो छात्रों को लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, है ना? या COVID-19 से संबंधित ऑक्सीजन मंगाने संबंधित जो देश ने अभियान चलाया, इसका नाम क्या था? तो ये सब अभियान और या ऑपरेशन आपको समझना है। उसके बाद हमने बजट उठाया, नेशनल बजट 2021-22 का जो बजट आया है 2022-23 का, इसको करना। ये सारे ही मैगजीन में करंट अफेयर्स के दिया हुआ है, तो बजट आप पढ़िए, कम से कम दो बार पढ़िए, बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेशनल करंट में हमने 4 ग्रैंड स्लैम को रखा है, टेनिस का, जो टेनिस का 4 बड़ा टूर्नामेंट है उसे ग्रैंड स्लैम कहते हैं, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, US ओपन। US ओपन एकमात्र है इस साल 2022 का जो अभी चल रहा है, सेमीफाइनल में टीम में पहुंच गई है, यानी अभी फाइनल नहीं हुआ। तो 2022 का US ओपन नहीं, 2021 का US ओपन कीजिएगा, महिला और पुरुष विजेता। और बाकी 2022 का हो गया है, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है साल के सबसे शुरुआत में, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन होता है, तब लास्ट में होता है US ओपन। तो 2022 का आप करेंगे ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन, US ओपन 2021 का आप करेंगे, ये पूरा ग्रैंड स्लैम हो जाएगा, 4 महत्वपूर्ण टेनिस टूर्नामेंट। उसके बाद एक हम लोग डेट वाइज कर रहे हैं, जो हर मंथ का आते हैं, जनवरी का हम लोगों ने उठाया डेट वाइज, वन लाइनर दिया हुआ मैगजीन में, फरवरी 2022 का डेट वाइज करंट अफेयर्स करना, यानी फरवरी का 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, एक दिन में 3-4 घटनाएं हुई, मैगजीन में दिया हुआ है, तो ये आप करेंगे। और लास्ट में सबसे बिहार का, एक बिहार का बजट, बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर हम लोग फोकस करेंगे। आज बजट है, नेशनल भी बजट करना है, बिहार का भी करना है, एक बिहार का मैगजीन आपके पास होना चाहिए, नहीं तो चैनल का सहारा लीजिए या आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए बिहार का, अगर आपके पास मैगजीन नहीं है करंट अफेयर। तो ये हो गया आपका छोटा सा सेगमेंट, लेकिन आपका दिन भर का 24 घंटे का ये टॉपिक्स हो गया। यूजुअली रात में 8 बजे आ जाएगा, आधा पौन घंटे का आगे पीछे भी हो सकता है, पहले भी आ जाता है, थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, 8 से 9 बजे के बीच डेली आपका ये टॉपिक आएगा, 20 टॉपिक्स। इसे हर हाल में कंप्लीट कीजिए, ये आपको दौड़ाएगा, स्कोर आपका बढ़ा देगा, डेफिनेटली आप स्वयं कहेंगे ये 20 टॉपिक्स करके हमने कमाल किया। ठीक है।